हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, सर्दियों में जायफल बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, बट बच्चों को जायफल कितना देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये कई सारे पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड में मैं आपको बताऊँगी कितने बड़े बच्चे को कितना दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर जायफल होता क्या है। जायफल एक मसाला होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए हम लोग अपने बच्चे को देते हैं सर्दियों में ताकि उनकी बॉडी गर्म रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। इसमें फ्रेंड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मात्रा में होती हैं। इसमें फोलेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के लिए जायफल के क्या फ़ायदे होते हैं। जायफल में औषधीय गुण से भरपूर होता है और इसके कई केमिकल कंपाउंड होते हैं, इसलिए सर्दियों में इसका यूज़ हेल्थी रखने के लिए किया जाता है। बच्चों को जायफल के बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे बच्चों का डाइजेशन सही नहीं रहता है तो ये शहद के साथ में मिक्स करके अगर बच्चों को दे देंगे तो उनका डाइजेशन सही रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर होती है तो उसको बूस्ट करता है, पेट जिनका फूलता है तो उसको भी सही करता है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कई सारे इसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया ही है कि मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जितना ही अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है अगर इसकी क्वांटिटी सही ना दी जाए, क्योंकि कम देना तो ठीक है बट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी साबित हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ आपको मार्केट से जायफल कैसा लेना चाहिए। जायफल बिल्कुल साबुत लेना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप इसका पाउडर लेते हैं तो हो सकता है वो पाउडर नकली भी हो, और अगर आप पाउडर ले रहे हैं बाई चांस किसी भी उससे, तो आपको उसमें चेक कर लेना चाहिए कि जायफल के पाउडर में स्मेल अगर नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो पाउडर नकली ही है, ठीक है। और ये आप अपने बच्चों को ना दें क्योंकि इससे बच्चों की हेल्थ ख़राब हो सकती है। सेकेंड चीज़ है, आप अपने बच्चे को जब भी जायफल दें तो उसका पेस्ट बना कर दें, पानी के साथ बना लें या फिर दूध के साथ बना लें, इसी के साथ आप बनाकर आप अपने बच्चे को पिलाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने बच्चे को जायफल कब से देना स्टार्ट करें और कितना देना चाहिए। तो 6 मंथ के बाद जब बच्चे सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद हम लोग जायफल देना स्टार्ट कर सकते हैं, बट 6 to 1 ईयर तक बच्चे को 2 से 3 ग्राम बस इतना ही देना है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी है। और 1 साल से बड़े बच्चे को आप 5 से 10 ग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, 6 मंथ के बाद आप बच्चे को अगर घिस के दे रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में देना है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है जायफल खिलाने के बाद में, वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा है या फिर उसको एलर्जी टाइप की हो रही है, तो आप जायफल खिलाना बंद कर दें बच्चे को और इसके बाद में डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ओके फ्रेंड। वैसे तो जायफल खिलाने के काफ़ी सारे फ़ायदे ही होते हैं बट इसके कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, कई सारे बच्चों को सूट नहीं करता है। तो अगर आपको लगे कि आपके बच्चे को जायफल खिलाने से कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आपको अपने बच्चे पर समझ में आए कि हाँ ये चीज़ मेरे बच्चे को जायफल खिलाने के बाद हुई है, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।